प्यार से तुझे बुलाती मेरे जीवन प्राणाधार प्यार से मैं तुझे बुलाती मन बिना की उठे जन Thank you.
कभी आएगा दिन तो करार, कभी आएगा दिन तो करार, प्यार से मैं तुम्हें बुलाती कब तलक स्वामी मिलेंगे आन करे और सेवा मिलेंगे जान कर पहचान कर, कब तलक यूं ही फिरूंगी शोक करे खाती हुई शोक और संताप में जीवन को बर्पा। निर्जन वन में सो बती, अरे ऐसी सुंदर नाव और जैसे मोती बीच में चमकत है। क्या विचार रहे तो महात्मा? सुंदर मुख, विशाल नेत्र और घुंघराले बाल, मन को लुभाने वाला तुम्हारा यह अलौकिक रूप सुंदरी बड़े ही विधाई के साथ चित पर प्रभाव डाल रहा है और जहां चल जाए तीखे वार। सुंदरी जहां चल जाए तीखे वार और इन नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते वहां हथियार वीरों के और नजर कैसे न हो संसार की। सुंदरी नजर कैसे न हो संसार की इस देव बाला पर और नौछावर चंद्र तारागण है जिसके मुख की शोभा। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझनों को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओ किसी लोक तू बाला, ओ किस लोक की तू
बता पे ना बता जाना, पता पे ना बता कपटी को समझाना, मन कपटी को
तुम्हारा पानी ग्रहण हो चुका? हाँ हो चुका, सदा से आज तक जिसका कि सब वेदों ने गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे चौदह भवन, जिसे चौदह भवन और तीन लोक भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण। कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी, क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इतना है? अरे यह कसौटी होगी पूरी, सुंदरी यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की और आस है कागज के, फूलों से तुझे आस की और तुझको तड़पाती रहेगी, सुंदरी तुझको तड़पाती रहेगी, सर्वदा आशा तेरी और हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या न हो, किंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती, जिसको एक बार अपना पति मान लिया उससे कदापि मुक्त नहीं मोड़ सकती। अरे यह गाढ़ा रंग है, यह गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, यह सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर, मरु इस ध्यान में लंकेश, मरु इस ध्यान में, बेशक मरण एक बार होता है और सती नारी का जीवन में प्राण एक बार। निसंदेह सुंदरी, निसंदेह तू अपने ध्यान में मगन हो रही है और इस अंधे विश्वास के कारण जीवन का तत् खो रही है, परंतु देख संसार के सुख बार बार इकट्ठा नहीं हुआ करते। अरे जब यह यौवन की झलक चली जाएगी तो इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। अरे पड़ा है धूल में जो सुंदरी, पड़ा है धूल में जो मनहरण अनमोल मोती है, और है सुंदर फूल तू पैरों तले पाल होती है। कामी असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है। अरे नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। अरे नहीं समझा है लंकेश, नहीं समझा है अब तक किस कदर है मान अबला का, प्रण यह प्राण छे प्यारा हमेशा जान अबला का, मिले जो राज दुनिया का लंकेश, मिले जो राज दुनिया का, वचन परवार दूंगी मैं और तेरी सोने की लंका को भी। देखो दिल्ली आंखों पर काहे का पता पड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता तेरे सामने कौन खड़ा है, और सुंदरी तेरी कोमल जुबा से, अरे तेरी कोमल जुबा से शब्द जो कड़वे निकलते हैं और है तीखे बाण जो प्रेम की गर्दन पे लगते हैं। समय आया है, समय आया है ज्ञानी पाप के रस्ते पे चलते हैं, अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा समझा मति मंद अभागिन बाला, मैं तेरे कहने का तात्पर्य समझा, तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो तुझे रावण का, लंका पति रावण का
कहा मानने से इनकार है। पी करे पपीहा और मेरे दिल में उठे हिलो, अरे एक बार तो देख कामनी मुड़ कर मेरी। मैं विष्णु मेरे पिया, मैं विष्णु मेरे पिया, मेरे मन ना भाए ओ, वो है मेरे चंदा, मैं तो उनकी बनी कुल नारी, प्रेम में दीवाना हुआ कुछ ना विचारी। कुल नारी, प्रेम में दीवाना हुआ कुछ ना विचारी। आजा मेरी प्यारी, होय आजा मेरी प्यारी, क्यों जाती ने हाथों, एक बार तो देख कामनी उड़ कर मेरी। सुंदर स्वरूप तेरे रूप का नजारा, दिल में बसा है तेरा मुकड़ा प्यारा प्यारा। सुंदर स्वरूप तेरे रूप का नजारा, दिल में बसा है तेरा मुकड़ा प्यारा प्यारा। ओ कामी कपटी कायर, हो कामी कपटी कायर, क्यों खड़ा मचाए शोर, वो है मेरे चंदा, मैं तो उनकी बनी। अपनी राहों में लगा कांटे क्यों बिछाने।
अपनी राहों में लगा, कांटे क्यों बिछाने। इन कांटों को समझूं, इन कांटों को समझूं, मैं कोमल पुष्प किशोर। एक बार तो देख कामिनी मुड़ कर मेरी। चंद्रमुखी तेरे रूप का दीवाना, शम्मा मेरी तू है मैं हूँ तेरा परवाना। चंद्रमुखी तेरे रूप का नजारा, सम्मा मेरी तू है मैं हूँ तेरा परवाना। हर क्यों जल के मरता है, क्यों जल के मरता है, मदन करे गो वो है मेरे चंदा, मैं तो उनकी बनी चको। समझा मतिमंद अभागिन बाला, मैं तेरे कहने का तात्पर्य समझा। तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो तुझे रावण का कहा मानने से इनकार है। हे मूर्ख अभागिन बाला, क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में स्वाहा होना चाहती है। सुंदरी क्रोध को मेरे समझकर, सुंदरी क्रोध को मेरे समझकर, और खेल ती है खेल तू, और बोल कर कड़वे वचन अग्नि में डाले खेल तू। अरे कर लावण से जन के मुझे तुमसे प्यार हो गया, इन विषयों का हो पापी, इन विषयों का हो पापी, क्यों तो शिकार हो गया। बस गई मेरी निगाहों में, मेरी बोली बाली सूरत बस गई मेरी निगाहों में, ओ मृगनेनी चंदर बदनी आजा मेरी बाहों में, आजा मेरी बाहों में। हाथ ना लगा पापी, ओ मुझे हाथ ना लगा पापी, ये तुझे क्या जाने। We'll be right back.
मुझको फुसलाना चाहे चिकनी चुपड़ी बातों में। मुझको फुसलाना चाहे चिकनी चुपड़ी बातों में। तीन लोक के नाथ को मैंने हाथ दे दिया हाथों में, हाथ दे दिया हाथों में। ए तेरी झूठी कल्पनाएं हो, तेरी झूठी कल्पनाएं के सर जनु मैं तो बना पुजारी हूँ। तेरी प्रीत कौवन देवी मैं तो बना पुजारी हूँ। तू है रूप रति की दाता मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ। ओ ये प्रीति किरी रीत नहीं जो मुझे पे निसार हो। रावण तू एक पंडित ज्ञानी है, मैंने तो समझाता रावण तू एक पंडित ज्ञानी है। झूठे रूप का बना दीवाना दुनिया ये सब फानी है, दुनिया ये सब फानी है। ओ नहीं इश्क पे जोरी कोई, इश्क पे जोर कोई, क्या करूं लाचार हो गया। करके क्यों मुझको पाठ पढ़ाती है, ज्ञानी बन करके क्यों मुझको पाठ पढ़ाती है। जो है बाण नैन के मारे चैन कब आती है, उन्हें चैन कब आती है। ओ कहा मान ले तू मेरा मदन, तो कहा मान ले तू मेरा मदन, क्यों गले का तुहार।
है हिये के अंधे शर्म कर, रावण दुखी को मत दुखा, मैं खुद ही बेकरार हूँ, जीवन की कोई आस नहीं, अपना ही आप हार हूँ। दुखिया को जो सताएगा अपनी कुशल गवाएगा, और बच के कहाँ को जाएगा, विस्की बुझी कटार हूँ। बस बस बनकर आगे मत बोल, बहुत सुन चुका हूं तेरी कहानी को, बनकर अपनी जुबां इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी क्या, जिंदगानी का मोह दिखाकर ही मुझे सत्य मार्ग से विचलित करना चाहता है क्या, मृत्यु से डराकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है। अरे जा ओ चांडाल, यहाँ से चला जा, और कुछ शर्म बाकी है तो मुझे अपनी सूरत ना दिखा। अरे देख ना पापी का मुख भी, लंकेश देख ना पापी का मुख भी, एक भारी पाप है, इसलिए ही मेरे मन में गौर है। अरे मन दुखा कर दीन का, लंकेश मन दुखा कर दीन का, क्या हाथ तेरे आएगा, और देखना तुझको तेरा यह पाप दिखा जाएगा। ओह इतनी निडाई, इतना अभिमान देवताओं के राजा रावण का, लंकापति रावण को यहां तक अपमान। अरे जमाने भर की शक्ति सुंदरी, जमाने भर की शक्ति जिसके चरणों में झुकती है, और तमाशा है उसी योद्धा को जो अबला नार हंसती है, जिसे अबला समझता है, लंकेश जिसे अबला समझता है, वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी वो एक ज्वाला। बस बनकर तेरे कबीले शब्द का अंत हुआ जाता है, और देख रावण का क्रोध, सुंदरी तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। अरे खड़ा है सामने मेरे लंकेश, खड़ा है सामने मेरे बना विकराल की मूरत, जनकपुर से उठूंगी बन के तेरी काल की सूरत। अब इसके बाद सीता जन्म होगा, किस तरह से वेदमती ने रावण को श्राप दिया कि मैं जनकपुर से तेरी काल की मूर्त होकर के उठूंगी और तेरा नाश का कारण बनूंगी, तो अब देखिए किस प्रकार से जानकी जी का जन्म होता है। महाराज आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। मंत्रीवर जी, महाराज देखो बाहर शोर सा कैसा है। अभी लो महाराज, महाराज देखो उनकी प्रजा उनसे मिलना चाहती है। महाराज आपकी प्रजा आपसे मिलना चाहती है, उन्हें आदर सहित दरबार में लाया जाए। अभी लो महाराज। महाराज दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। कहो प्रजावासियों क्या आपत्ति आई हुई है। महाराज आपके राज्य के अंदर में भयंकर सूखा पड़ा है, जगह जगह जमीन फट रही है, खेती नष्ट हो रही है, जानवर पालतू पशु मर रहे हैं, और बच्चे भूखे परेशान हो रहे हैं। महाराज कुछ कीजिए। महाराज हे प्रजावासियों, हम वही कार्य करेंगे जिससे हमारी प्रजा का हित हो। महाराज
ज्योतिषियों ने कहा है यदि महाराज जनक से पत्नी खेतों में स्वर्ण हल चलाएं तो ये विपदा हल हो सकती है। हम प्रजावासियों की इच्छा पूरी करेंगे। महाराज विजय हो। में कृतान रही है। लाओ सुनेना, मुझे दिखाओ। हे विधाता, हमारे कोई संतान नहीं थी, आपका बड़ा बड़ा आभार है। इस तरह सीता जी का जन्म हुआ। जब धरती पर हल चला रहे थे राजा जनक जी, तो वहां से एक कन्या निकली और इस तरह जानकी जी का जन्म हुआ। अब आरती होगी, यहीं लीला का समापन है।